उत्तराखंड पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात तो साबित हो गई कि उत्तर प्रदेश की पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर रही है, फर्जी लोगों को फंसा रही है, खास तौर से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को फर्जी मुकदमों में फंसा रही है। ये इल्जाम हम शुरू से लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ तो एक युद्ध छिड़ रखा है और उसकी इंतहा उत्तर प्रदेश में है कि जरा सारे गुनाह पर उत्तर प्रदेश पुलिस मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर लेकर पहुंच जाती है। अब वक्त आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के असल चेहरे को देश की जनता पहचाने, देश की जनता इनका तिरस्कार करे, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल किया है, या मैं कहूंगा राजनीतिक दोहन किया है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जहां पुलिस में रिफॉर्म की जरूरत है, वहां हमें इन राजनीतिक पार्टियों को भी सबक सिखाने की जरूरत है, जो हमारे लोकतंत्र में दी हुई शक्तियों का नाजायज फायदा उठाते हैं और पुलिस के थ्रू अपनी राजनीतिक सत्ता अर्जित करते हैं। ये IMIM की ये खुली डिमांड है कि ये फर्जीवाड़ा बंद होना चाहिए, जो असल अपराधी है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए ताकि अपराध नीचे आए। जबकि उत्तर प्रदेश में हो बिल्कुल उल्टा रहा है, ये निर्दोष व्यक्तियों को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। सिर्फ अपने वोटर्स को खुश करने के लिए निर्दोष लोगों पर भारतीय जनता पार्टी जुल्म ढा रही है। हम इसकी मुखालफत करते हैं।